हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नाडू कला चैनल पर। और आज हम फिर से एक बार ब्रह्मास्त्र का रिव्यू करने जा रहे हैं। आज का जो है दूसरा दिन है, तो चलिए जानते हैं जनता से कि ये जो 3D मूवी है कैसी लगी। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, कैसी लगी मूवी? अच्छी लगी। अच्छा, क्या अच्छा लगा मूवी? सब अच्छा लगा। कैसी लगी मूवी? नहीं, खास नहीं लगी बिल्कुल भी। हाँ, बहुत बोरिंग थी। सिर्फ गाने और कुछ नहीं है। इन लोग कॉपी करने को देख रहे कि इसको मार्वल्स को, लेकिन इनसे कई दूर दूर तक के इन लोग बहुत पीछे इनसे। कैसी लगी मूवी? VFX अच्छा था। VFX अच्छा था, स्टोरी पे काम करना पड़ेगा। लेकिन स्टोरी बहुत वीक है, गाने अच्छे हैं, लेकिन VFX बेस्ट है। आज तक के इंडियन मूवी में ऐसे VFX कभी देखे थे। रणबीर कपूर की एक्टिंग, रणबीर कपूर की एक्टिंग सोसो है। मुनी राव को 10/10 है। वो विलन एकदम जच रही है। और सेकंड पार्ट में होप सो कि मुनी राव कंटिन्यू करें। कितना रेटिंग दोगे? 2.5/5 में से। थैंक यू। बोलिए, कैसा लगा मूवी? 1 नंबर थी। उसके VFX वगैरह बहुत अच्छे थे और माइथोलॉजी को एकदम बढ़िया तरीके से दिखाया है। ऐसा पहले कैसे बदनाम करते थे, अब ये एकदम अच्छा दिखाया है सब इसमें। फिल्म में जो एक्टर है, हाँ, कैसे लगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इन शॉर्ट वो फिल्म पूरी मतलब Perfect. प्यार Perfect. के लिए थी। हाँ. वो दैट लव इज द मोस्ट पावर ऑफ लव, ये दिखाया है उसमें। हाँ. अच्छा दिखाया है वो, बहुत अच्छा है। शाहरुख खान का केमियो है, वो कैसे लगा? अरे वाह, शाहरुख खान तो दिल का टुकड़ा है। शाहरुख किंग खान तो मतलब किंग खान, बोलने की जरूरत ही नहीं है उनकी एक्टिंग के लिए। एक्टिंग नंबर, फिल्म के गाने तो पहले हिट है। हाँ, उनका बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा लगा? अरे वाह, वो तो बेस्ट था एकदम। ऐसा लग रहा था कि वो फील आ रहा था एकदम अंदर से। जो मोनी रॉय है, नागिन करके नजर आती है। नागिन दिखा दी उसकी लास्ट में। कितना रेटिंग दोगे मूवी को? 4.8। और जो एक्टिंग है, ऑब्वियसली आलिया और रणबीर की तो बेस्ट जोड़ी है। मस्त एक्टिंग। क्या लगता है आपको नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कौन रह सकता है एक्टर में? जैसे स्टार्टिंग में जैसे शाहरुख खान को दिखाया गया है, शाहरुख खान होगा, बड़े बड़े एक्टर से जैसे देव का जो पार्ट आने वाला है, मेरे ख्याल से जैसे आपके मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो है आमिर खान, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका कहीं ना कहीं रोल हो सकता है। देखते हैं अभी क्या मूवी को। 9 तो दे सकते हैं। बस वो ये देखने लायक है, बस जो उसने ये किया है, क्या बोलते हैं, जो सेट वगैरह बनाया है बस। बाकी हिस्टोरी विस्टोरी तो कुछ समझ में आके बाहर ही है बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। थैंक यू। मूवी काफ़ी अच्छी है और इस बार जो बॉलीवुड ने फिर से बैक आई है वो काफ़ी अच्छा लगा। सस्पेंस है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 के लिए तो भी कंटिन्यू किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इस बार बॉलीवुड ने बहुत अच्छा काम किया। ब्रह्मास्त्र मूवी आपने देखा, कैसा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। इसके काफ़ी सारे सीन बहुत 3D में बहुत अच्छे लगे और उसमें लव टैंगल जो डाले वो भी बहुत अच्छा लगा। रणबीर कपूर, आलिया का हॉलीवुड का बैट भी बहुत अच्छा। रणबीर कपूर की थोड़ी सी एक्टिंग थोड़ा सा डाउन लगा, बट काफ़ी मेहनत किया बंदे ने। फिल्म में अमिताभ बच्चन भी नजर आ रहे हैं। हाँ, अमिताभ बच्चन है, नागार्जुन है, शाहरुख खान जी है, वो साइड रोल में भी बहुत अच्छा रोल करके गए। वो बहुत अच्छा लगा। फिल्म के गाने कैसे लगे? गाने ठीक है, बहुत अच्छे हैं। एक ही एक गाना अच्छा लगा। फिल्म का जो VFX है, हाँ, वो कैसे लगा? वो बहुत अच्छा है, पूरा हॉलीवुड मूवी का दिया है उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। कितना रेटिंग दोगे आप? 10 में से 8। तो अभी हमारे साथ है बूटी सिनेप्लेक्स के मैनेजर हरीश हिरणवार जी। हिरणवार जी, काफ़ी समय बाद एक अच्छी मूवी आई है, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 मायान मुखर्जी की, वो आपके यहाँ रिलीज़ हुई है। फिल्म का दूसरा दिन है, कैसा शो चल रहा है? सबसे पहले तो हम महाराष्ट्र के रहवासी हैं, गणेश जी की हार्दिक शुभेच्छा सबको देते हैं, जनता को, जिसके कारण आज 3 महीने के बाद हमारे महाराष्ट्र में फेस्टिवल गणेश का उत्सव हुआ था, जिसके कल ही अनंत चतुर्दशी हो गई है, उसके उपलक्ष्य में ब्रह्मास्त्र पिक्चर लगा है और 3 महीने तक खाली बैठे थे। और अभी ब्रह्मास्त्र के अंदर में पब्लिक का फ्लो दिखा है और अच्छी आ रही है। और सैटरडे संडे ये तो देखना नहीं पड़ेगा आपको पब्लिक का। और ब्रह्मास्त्र जो पिक्चर है
अब किसी का कहना है कि यार कुछ दम नहीं है, लेकिन पिक्चर अच्छी है, एंटरटेनमेंट है और फोटोग्राफी सबसे अच्छी है जिसका आनंद पब्लिक ने लेना चाहिए। और ऐसा है 3D में, 3D का मीनिंग ऐसा होता है कि नॉर्मल मूवी और 3D में जो है आज के युग में, हम अभी चांद पे जा चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन 3D का मज़ा जो थिएटर में मज़ा है वो कहीं नहीं है। और उसका आनंद थिएटर में आके प्रेक्षक ने पूरा उसका लाभ उठाना चाहिए। टिकट रेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 200 रुपये बालकनी है, 150 रुपये रिजर्व है, तो उसका आनंद लेना चाहिए और उसका फ़ायदा, जिसके कारण हमारे बॉलीवुड में भी और जो आज हमारा परिवार जो है कोविड से हुआ है, आज इसके बाद में ये पिक्चर चलेंगी तो ये सब परिवार जैसा का वैसा होगा, इकोनॉमी अपनी जगह पे आ जाएंगी और इसके बाद में हमारे जो वर्कर है उसको भी कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो आज वर्कर भी खाली पीली बैठे रहेंगे, उससे क्या होगा। अभी सिर्फ KGF के बाद में अभी थोड़ा ब्रह्मास्त्र की तरफ ध्यान है जिसके कारण पब्लिक आने का फ्लो है, इसलिए उनको धन्यवाद देते हैं। क्या आपने फिल्म देखी? हाँ देखी फिल्म। कैसे लगा? हाँ ठीक है, फिल्म के अंदर में अपन उसको कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि देखो हर चीज़ का अलग अलग संदेश रहता है। अब लोगों का कहना है कि ये एक्टिंग नहीं है, वो एक्टिंग नहीं है, लेकिन उसके देखा जाए तो नहीं आता, लेकिन मूवी का मतलब है कि अपने को एंटरटेनमेंट करना है और एंटरटेनमेंट के हिसाब से पिक्चर ठीक है। और आजकल जो बॉयकॉट का चलन चल रहा है, हाँ, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? नहीं वो तो अलग है, बॉयकॉट का कैसा है कि अब वो राजनीतिक का मूड है, राजनीतिक और हमारे फिल्म इंडस्ट्री को देना नहीं। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो बैनर के तले पब्लिक को फ्लो देती है कि आज आप वोट डालेंगे तो ये है, आधार कार्ड लेके जाइए, तो आज जब फिल्म का यदि बॉयकॉट करेंगे तो लोगों को जागरूकता कैसी आएंगी? इसलिए लोगों में जागरूकता फिल्म के द्वारा ही आती है कि आज वोटिंग डालना है तो आप आधार कार्ड लेके जाइए तो आपकी वोटिंग होंगी, तो ये फिल्म के द्वारा ही सर को आपको एक संदेश पहुंचता है, इसलिए इसका बॉयकॉट करना नहीं चाहिए। हर फिल्म की अलग अलग परिभाषा होती है और हमारे राजनीतिक से और जनता से ये हट के काम करना चाहिए क्योंकि बॉलीवुड और पिक्चर की लाइन दोनों मिला के आपका संदेश जाता है कि भैया ऐसा ऐसा करना चाहिए और आज ये राजनीतिक इसमें ला के कोई मतलब नहीं। धन्यवाद। तो दोस्तों ये था हमारी जनता की राय, जनता की पब्लिक का राय। 3D में उन्होंने मूवी देखी, किसी को पसंद आई किसी को नहीं, पर फिल्म मैंने भी देखी, आपको रिव्यू पहले भी दे चुका हूँ। इस बार और एक बार देख लिया तो मूवी में थोड़ा और क्लिक हो गया कि जैसे पार्ट 2 है, जो पार्ट 2 आने वाला है उसमें एक अमिताभ जी का डायलॉग है कि उसमें वो परछाई भी बोलते हैं और अग्नि का वरदान भी बोलते हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी रोल होने वाला है देव का, शायद मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, शायद वो भी रोल देव का रणबीर कपूर कर सकते हैं, पर बॉडी लैंग्वेज से वो रणवीर सिंह भी लगते हैं, तो देखते हैं उधर कौन आएगा कौन नहीं। पर हाँ ये मूवी ज़रूर देखिए, अच्छी मूवी है, आपको एंटरटेनमेंट ज़रूर करेंगी क्योंकि ये मूवी पहले ही आयान मुखर्जी ने बताया था कि ब्रह्मास्त्र नाम ज़रूर है तो फिल्म लव एंगल है, लव स्टोरी नज़र आएंगी क्योंकि प्यार में ही ताकत होती है, ब्रह्मास्त्र। तो आइए और देखिए।